भारतीय फिल्मों में एक डायलॉग काफी फेमस है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारे प्राचीन भारत में भी महान बुद्धिजीवी मौर्य गुरु चाणक्य जी ने भी कहा है कि यदि शत्रु को हराना है तो उसके निकटतम शत्रु से मित्रता कर लो। ये बात अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी पूरी तरीके से लागू होती है और आज भी चाणक्य जी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में काफ़ी प्रासंगिक बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राष्ट्र के ऊपर किस तरीके से कूटनीतिक दबाव बनाया जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत और अमेरिका ने हाल ही में प्रस्तुत किया है और इस कदम से चाइना काफ़ी हद तक बौखला गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाइना द्वारा उसके विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल साइट पर जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस से पता लग रहा है, जिसमें वो चाइना सीधा सीधा धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आखिर भारत और अमेरिका ने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे चाइना की सुलग गई है, चाइना पूरी तरह से बौखला गया है और उसने ऑफिशियल नोटिस तक जारी कर दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है, तभी से ताइवान सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है कोरोना वायरस पर ताइवान की बड़ी सफलता। यहाँ पर सिर्फ 440 केस आए हैं और सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु हुई है, ओनली 7। ऐसे में विश्व समुदाय इस महामारी से निपटने के लिए ताइवान की सहायता चाहता है और जानकारी को साझा करना चाहता है ताकि इस बीमारी से निपटा जा सके, इस महामारी को जो है मिटाया जा सके। लेकिन चाइना इसके लिए तैयार नहीं है, चाइना ने पूरी तरीके से मना कर दिया है और ताइवान को WHO से बिल्कुल अलग थलग रखा है, क्योंकि वो इसको राष्ट्र का दर्जा नहीं देता है, वो इसकी भागीदारी किसी भी हालत में सुनिश्चित नहीं करना चाहता है। अब जब विश्व समुदाय नाराज है चाइना से, इन्हीं परिस्थितियों में 20 मई को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेती हैं और उनके इस शपथ समारोह में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, उनको बधाई संदेश दिया। इसमें भी भारत सबसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने लोकसभा के 2 सांसदों को, जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को, सशरीर ताइवान भेजा और चाइना को कड़ा संकेत, कड़ा संदेश भेजा है कि ताइवान के लोकतंत्र की लड़ाई में भारत ताइवान के साथ है। भारत की तरफ से जो ऑफिशियल मैसेज ताइवान में पढ़ा गया वो ये था कि भारत और ताइवान दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारत और ताइवान दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सम्मान के साझा मूल्यों से बंधे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ताइवान ने व्यापक संबंधों वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया है, विशेष रूप से व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान, और हम साई इंग वेन को लोकतंत्र पे उनकी बड़ी विजय को बधाई देते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश अमेरिकी विदेश मंत्री और उनके मुख्य सचिव माइक पोम्पियो द्वारा जो है दिया गया, जिन्होंने अपने संबोधन में जो है साई इंग वेन को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया। अब होना क्या था, चाइना को ये काफ़ी बुरा लगा और वो पूरी तरह से बौखला गया और उसने बाकायदा ऑफिशियली नोटिस जारी करके भारत समेत अमेरिका को धमकी दे डाली और उसके इस नोटिस में सारा गुस्सा जो है मुख्यतः अमेरिका पर टूटा। दरअसल अभी तक ताइवान को दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, 180 राष्ट्र 194 में से, वो डिप्लोमेट संबंध उसके साथ नहीं रखते हैं, ना ही ताइवान को एक राष्ट्र का दर्जा देते हैं, वो इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा मानते हैं और चाइना भी निरंतर समय से दुनिया के साथ, दुनिया से ये आग्रह निवेदन करता आ रहा है कि ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत ही ट्रीट करे, उसको चाइना का हिस्सा माने। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ जो है चाइना के बिल्कुल विपरीत चली गई हैं। ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं, जो बनी है अभी हाल ही में, वो वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी को बिल्कुल नहीं मानती, वो ताइवान को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का समर्थन करती हैं, इसके लिए निरंतर संघर्ष करती आ रही हैं और वैश्विक संगठन में ताइवान को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही हैं। इस समय उनके प्रयास काफ़ी तेज हैं क्योंकि वे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जो है शुरुआत कर रही हैं, अंतिम कार्यकाल है, और उन्होंने अपनी जनता से वादा किया है कि वो ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाकर रहेंगी और वैश्विक संगठनों में उसकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगी। लेकिन साई इंग वेन अच्छी तरीके से जानती हैं कि
ताइवान को एक राष्ट्र का दर्जा तभी मिलेगा जब भारत और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र ताइवान का समर्थन करेंगे, ताइवान के लिए जो है पूरी तरीके से भूमिका तैयार करेंगे चाइना के अगेंस्ट। अब ताइवान की जो राष्ट्रपति का शपथ समारोह है इसमें जो बड़े राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, ऐसे में चाइना का जो सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की यूं उपस्थिति ताइवान को बगावत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो इस द्वीपीय क्षेत्र को चाइना के साथ पुनर्मिलन को हतोत्साहित करेगा और संघर्ष की परिस्थितियाँ पैदा होंगी। ताइवान चाइना का एक आंतरिक मामला है और विश्व राष्ट्रों को इसमें हस्तक्षेप से बचना चाहिए। देख रहे हैं आप, हस्तक्षेप ना करें ऐसा जो है वो कह रहा है गुस्से में, लेकिन खुद भारत नेपाल विवाद के मामले में जो है लार टपकाते हुए वो आगे आगे जो है मध्यस्थ बनने को तैयार रहता है। भारत ने बड़ी चतुराई भरी कूटनीतिक चाल चली है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत ने विदेश मंत्रालय से ऑफिशियली बधाई संदेश ना भिजवाकर अपने सांसदों को ताइवान भेजा, जिसका परिणाम ये रहा कि चाइना ने जो ऑफिशियल धमकी जारी की है उसमें सारा गुस्सा अमेरिका पर फूटा है और ताइवान ने भारत को गंभीरता से लिया है अपने समर्थन में, क्योंकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बधाई संदेश देना और सशरीर उपस्थित होकर बधाई संदेश देना इन दोनों के अपने अपने मायने होते हैं, संदेश होते हैं। और चाइना को भी भारत की तरफ से जो है मैसेज मिल गया होगा कि अगर वो लद्दाख पर सीमा विवाद क्रिएट करेगा, भारत नेपाल मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो भारत के पास भी चाइना के नाक में दम करने के लिए कूटनीतिक विकल्प मौजूद हैं और भारत भी कूटनीतिक माध्यम से चाइना के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। दूसरी खबर भी ड्रैगन के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा ही है। हम जानते हैं कि अमेरिका चीन के बीच कई मोर्चों पर संघर्ष चल रहा है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने $180 मिलियन की अत्याधुनिक तकनीक से लैस टॉरपीडोज वाले ताइवान अमेरिकी रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस पर भी चाइना काफ़ी बौखला गया है, क्योंकि ये बात तो आप भी समझते हैं कि रक्षा सौदा जो है वो राष्ट्रों के मध्य होता है और अमेरिका द्वारा ताइवान के साथ ये डिफेंस डील करने का मतलब साफ है कि वो चाइना को मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र विचारधारा वाली सरकार को समर्थन देता है और इसके एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से भी वो गुरेज नहीं करेगा। इस डील पर चाइना ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को युद्ध तक की धमकी दे दी है और आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर चाइना सैन्य ताकत के बल पर ताइवान पर फिर से पुनः कब्जा करने की वो कोशिश करे। हालांकि ड्रैगन चुप नहीं है, उसने अभी दो दिन पहले ही अपना रक्षा बजट घोषित किया है और इसका जो रक्षा बजट है फिर से इस बार काफ़ी इंक्रीज़ किया है पहले की तुलना में और इस बार अमेरिका, भारत, ताइवान, दक्षिण चीन सागर इन सभी विवादों को देखते हुए उसका जो ये रक्षा बजट है ये भारत के रक्षा बजट से भी 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, भारत के GDP के 10% के बराबर। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है चाइना को अपने रक्षा बजट को इतना बढ़ाने की। बाकी आप क्या सोचते हैं आज के विषय पर, अपना सुझाव अवश्य दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।